तो गुजरात में बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई और बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड को, यानी कि 2002 का जो रिकॉर्ड था नरेंद्र भाई का 127 सीटों का, उसको बीजेपी तोड़ रही है 2022 के विधानसभा चुनाव में। या फिर कहें, इसको दूसरे ढंग से कहें कि बीजेपी माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड, जो 1985 का रिकॉर्ड था 149 सीटों का, उसको भी बीजेपी तोड़ती हुई दिख रही है, जो नतीजे अभी तक ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसे फैक्टर थे? नरेंद्र मोदी का करिश्मा था, बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो उसकी एक बड़ी वजह थी, या फिर आपने एक बड़ी तादाद में वोट कट किया कांग्रेस का, जिसकी वजह से बीजेपी को ये लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है? यानी कि आप कहें कि 1960 के बाद जब गुजरात का जन्म हुआ, बॉम्बे से जब गुजरात अलग राज्य बना, तो उसके बाद की जो इतनी बड़ी विक्ट्री मिल रही है, इसके क्या कारण है, इसके क्या ऐसे फैक्टर है जिसके कारण बीजेपी को इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत मिल रही है? तो हम इन कारणों को जानते हैं सीधे बीजेपी के प्रमुख नेता गोवर्धन भाई झड़पिया, जो कि पूर्व में गृह मंत्री थे। नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री बने 2002 में तो ये होम मिनिस्टर थे, और उसके बाद बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं इस समय, और गुजरात को गोवर्धन झड़पिया से बेहतर कोई नहीं जानता। चप्पे चप्पे की सीट वो बता देंगे कि कौन सी सीट पे कौन आगे चल रहा है और क्यों आगे चल रहा है। तो गोवर्धन भाई से जानते हैं कि इस हिस्टोरिक विजय के कारण क्या है। गोवर्धन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुझे फाइव फैक्टर, पांच ऐसे कारण जिसके कारण बीजेपी इस लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। पहला कारण तो यह है कि बीजेपी की संगठन व्यवस्था, पहली बार हमने इस संगठन प्रक्रिया में पेज समिति के सदस्य, माने 900 के वोटर होते हैं ऑन एन एवरेज, उसमें 150 विद आइडेंटिटी कार्ड, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीजेपी पार्टी वर्कर, ये पहली बार हुआ, ये भी एक कारण है। दूसरा यह कारण है कि गुजरात 6 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया और 7वीं बार, इसलिए कि एंटी इनकमबेंसी लोग कहते हैं, लेकिन इट इज प्रो इनकमबेंसी, क्योंकि हमारा वोट शेयर बढ़ा। इसकी यह वजह है कि आपत्ति या आपदा के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब कोरोना की महामारी चली तो कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी का कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं था, मेरा कार्यकर्ता बाहर था। हमने 52 कार्यकर्ता सेवा करते गवाए, उसमें 22 तो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स रहे। तो ये सारी सेवाओं का जो प्रजा के मन में था, वो भी एक कारण है। तीसरा कारण, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, अमित भाई शाह, 8 साल के केंद्र की सरकार, जिसको गुजरात में इम्पेक्ट आया, वो इम्पेक्ट आया चाहे वो जन औषधि का होगा या आयुष्मान का होगा या प्रधानमंत्री आवास का होगा, लेकिन हर व्यक्ति के पास शासन में रहते हुए जिस तरह से सेवा का, वेलफेयर का कार्यक्रम हुआ, वो जनता में पहुंचा। ये तीसरा कारण। चौथा कारण ये रहा कि ये सारी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट एंड पार्टी, इट वॉज ए कोलेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्टी विद पार्टी प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम, तो एक साथ चल के, एंड हमने हमेशा पॉजिटिविटी का पॉलिटिक्स किया। बाकी पार्टियों ने जिस तरह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, गुजरात को बदनाम किया, मोदी जी को कुछ वर्ड्स कहे, मोदी जी के माता जी 100 साल की उम्र के, उनके बारे में भी आम आदमी पार्टी बोली, देवी देवताओं के बारे में भी बोली, कांग्रेस भी उनके नेता जिस जो वर्ड्स बोले, गुजरात को ये सहन नहीं होता, क्योंकि गुजरात की अस्मिता, गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर और गुजरात का स्वाभिमान, इनके ऊपर इन लोगों ने ठेस पहुंचाई। पांचवा कारण यह है कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में आना, शोर बकोर करना, और उससे क्या हुआ, इनको लगता था कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस का डिसमेंटल होना ये बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि 17 में चुन के आए 79 और उसमें से 22 का चले जाना, कांग्रेस कुडंट यूनाइट देम देयर ओन पार्टी एमएलएस, तो ये जो कांग्रेस की डिसमेंटल स्थिति और भाजपा की बढ़ती हुई संगठनात्मक स्थिति और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा मिलके ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में चुनाव के पहले भरोसा बैठ गया था,
मैं इसको समराइज करूं, आप ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, उसका बीजेपी को कितना फायदा मिला? क्योंकि आप देखें कि वोट शेयर को देखें तो वोट शेयर जो कांग्रेस का वोट शेयर था 40-42% का, वो अचानक से घटकर 22-23% के वोट शेयर पे आ गया। तो आम आदमी पार्टी आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हुई गुजरात में? अमित भाई ने भी ये बात कही थी एक बैठक में कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। एक एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ था गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो इट वाज अ ट्रायंगुलर कंटेस्ट। एक बार हम जीते थे, दो तीन बार हम नहीं भी जीते थे, लेकिन वोट डिवीजन इस तरह से हुआ, तो आउट ऑफ 44 हमारे बीजेपी की 40 सीटें आ गई और कांग्रेस की तो एक भी सीट नहीं आई। तो ये जो स्थिति बनी उसका वजह ये हो सकता है, लेकिन इतना है कि हमारे वोट शेयर को वो टच नहीं कर पाए, ना गांधीनगर में टच कर पाए, उसमें भी हमारा वोट शेयर बढ़ा और इस चुनाव में भी हमारा वोट शेयर काफी बढ़ा। अभी हम 45-47-46 तक रहते थे, वी आर क्रॉसिंग 51। तो इसका मतलब है कि प्रो बीजेपी वोटिंग, चाहे उनका कांग्रेस ले जाए या कांग्रेस का आम आदमी ले जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बीजेपी का ग्राउंड सलामत रहा उतना ही नहीं और मजबूत हुआ। ये नई उपलब्धि है बीजेपी की। सो दिस इज रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड वी आर ब्रेकिंग इट, अवर गुजरात रिकॉर्ड एज यू टोल्ड कि 60 के बाद गुजरात बना, तो माधव सिंह सोलंकी जी जब मुख्यमंत्री थे उनका रिकॉर्ड भी टूट रहा है, हमारा खुद का रिकॉर्ड टूट रहा है, हम इतने परसेंटेज वोट शेयर कभी नहीं लिया असेंबली में। तीसरा रिकॉर्ड तो 2002 में तो आप मंत्री थे, आप होम मिनिस्टर थे, आपने पोस्ट राइट्स के बाद के जो चुनाव थे बहुत ही चार्ज एनवायरनमेंट पे इलेक्शन हुआ था, उस समय भी बीजेपी 127 सीटें ही जीत पाई थी। नहीं, उस समय भी हमने यात्राओं का गौरव यात्रा के दौरान हमें मालूम था कि वी आर विनिंग मोर देन 2/3, और ये रिकॉर्ड इसलिए इस बार टूटा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के कैडर, उतना स्ट्रेंथनिंग उस समय नहीं था। आज बीजेपी का कैडर का स्ट्रेंथनिंग इतना है, शायद देश में पहला ऐसा राज्य है ऑर्गेनाइजेशनली कि जिनके पास एक बूथ में 150 कार्यकर्ता विद आइडेंटिफिकेशन है। इसमें मैं बात करूंगा क्योंकि हम लोगों ने चुनाव के दौरान एक स्टोरी भी की थी कि सिर्फ नरेंद्र मोदी इस जो गुजरात की जो प्रचंड बीजेपी का कैंपेन है और जो जो जीत में जो रिजल्ट में तब्दील हो रहा है उसके लिए सिर्फ मोदी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो सीआर पाटिल का एक्सपेरिमेंट था पेज कमिटी का, यानी कि 82-83 लाख ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड था, उन लोगों ने बीजेपी को ये हिस्टोरिक मैंडेट दिलाया है। ये देखिए गोवर्धन भाई, ये स्टोरी थी जो हम लोगों ने की थी कि नॉट ओनली मोदी बल्कि सीआर पाटिल का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल था। और ये इनसे गोवर्धन भाई से समझते हैं कि जो पेज कमिटी का जो मॉडल था, जो एक्सपेरिमेंट था, वो कितना सक्सेसफुल रहा। आप वो गोवर्धन भाई वो कार्ड दिखाएं जिससे हम समझ पाए कि बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंट मैन टू मैन मार्किंग का ये कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट सफल क्यों रहा। देखिए, ये जो कार्ड है ऑन एन एवरेज एक बूथ में, ये आप कार्ड देख सकते हैं, ये गोवर्धन भाई झड़पिया का कार्ड है। ये पेज कमिटी के सदस्य हैं और इस पे फोन नंबर, इसके साथ में डिटेल्स सारे कार्यकर्ताओं के, यानी कि 82 लाख ऐसे कार्यकर्ता जिनके पास ये आइडेंटिटी कार्ड है और वो मतदान के दिन वो वोटर टर्नआउट में तब्दील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा साइंटिफिक डेटा बीजेपी के कंट्रोल रूम में सीधा सीआर पाटिल का जो कंट्रोल रूम था वहां पे पहुंच रहा था। तो बताइए गोवर्धन भाई, ऑन एन एवरेज एक बूथ में 900 वोटर हैं, कहीं 1200 है तो कहीं 700 भी है, तो एक पन्ने में 30 फोटो के साथ वोटर लिस्ट रहता है, उसको हम पन्ना कहते हैं। 30 में से 5 परिवार के 5 सदस्य उसमें से, तो ये 15 वोट हमारे हो गए 30 में से, समझो 60% वोटिंग हुई 30 की, 18 वोट पड़े उसमें 15 हमारे हो गए। तो ये जो कैलकुलेशन था, तो हमारे पास 82 लाख रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड कार्ड होल्डर हैं, और ये जो माइक्रो प्लानिंग है
एक बार जिसके पास बीजेपी का ऑथेंटिसिटी आइडेंटिटी आ गया ना, दो ही मे बी अनोयड विद अस, बट व्हेन ही गोज टू द वोटिंग प्लेस देन ही रिमेंबर्स दे आई एम ए बीजेपी वर्कर, आई कांट गिव वोट टू अदर पर्सन. तो दिस इज ऑल्सो ए साइकोलॉजी विच प्लेस. वो एम्पावर महसूस करता है और वो फिर बीजेपी को नाराजगी के बाद भी वो टर्न आउट में तब्दील करता है. इसलिए कई बार क्या होता है, हमारा कार्यकर्ता भी हमारे से रूठ जाता है, ये रोड नहीं बना, ये नहीं किया आपने, वो नहीं किया, देख लेंगे. बट व्हेन ही गोज टू द वोटिंग बूथ देन ही रिमेंबर्स, यस आई एम ए बीजेपी मैन, आई कांट गिव वोट टू अदर्स. तो ये जो एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट है, मोदी जी की इम्पैक्ट तो सबसे ज्यादा ही है, क्योंकि मोदी जी ने गुजरात को जिस तरह से संजोया, बनाया और इसको विकास के मॉडल को पूरे देश में प्रस्तुत भी किया कि हियर देर वॉज नो वॉटर टू ड्रिंक इन मोर देन 4,000 विलेजेस, वी वर गिविंग थ्रू टैंकर्स, नाउ टैंकरलेस गुजरात, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात एंड सौराष्ट्र ड्रॉट प्रोन जोन, water level was going down to 1,500 feet. It is the blessing of Narendra Bhai's vision. Sujalam Suflam for North Gujarat, it was a desert. And there was a report, if you have read, in 2005. और जिसको कि आप लोगों ने इलेक्शन कैंपेन में नर्मदा का जो इशू था उसको बार बार उठाया भी. अच्छा ये बताइए कि जो बाई एंड लार्ज लगता है कि जो मेन फैक्टर लगते हैं, एक तो इस विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा डिस्ट्रप्शन नहीं था, यानी कि जो पाटीदार आंदोलन था 2017 में ऐसा कोई नो राइवलरी. दूसरा कि कांग्रेस एक तरह से बहुत ही डिसइंटरेस्टेड होकर चुनाव लड़ी, वहां पे उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, सेंट्रल लीडरशिप ने कैंपेन नहीं किया, नरेंद्र मोदी का करिश्मा और आपका जो माइक्रो मैनेजमेंट था, ये ऐसे चार फैक्टर आपको लगते हैं कि जो जिसके कारण बीजेपी, क्योंकि आप इस बार ट्राइबल बेल्ट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पिछली बार आपको सेटबैक मिला था ट्राइबल बेल्ट में. देखो ट्राइबल बेल्ट में हमारी रिजर्व सीट है शेड्यूल ट्राइब की 23. दिस टाइम वी आर विनिंग मोर देन 19. आई थिंक इट इज द रिकॉर्ड फॉर द स्टेट. तो ट्राइबल बेल्ट में हमारी जीत की एक और वजह है कि गुजरात में बीजेपी जब शासन में आई तो एक पार्लियामेंट के बुरिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कमीशन बिठाया था हाउ टू अपलिफ्ट दोज पीपल. तो इट वाज अ बुरिया कमिटी रिपोर्ट, वी इंट्रोड्यूस एज अ गुजरात पैटर्न एंड वी स्टार्टेड कीपिंग द सेपरेट बजट फॉर द ट्राइबल एंड इट कैन नॉट बी यूज एनीवेयर. It was meant for the budgetary system itself was made that all the decision will be taken by the tribal authorities where to use this budget. Tribal budget आपने गुजरात में experiment किया? अलग किया. तो tribal को हमने वन बंधु योजना एक स्कीम बनाई and that has really played a role. The roads which were not there, the infrastructure, drinking water, basic amenities that we could at least reach to that. And it has played a role. And the educational system, totally Narendra Bhai when started a Pravesh Utsav. Since then, our entry in tribal, I think it has played a great role. Otherwise, tribals, though they are poor compared to others, but they are affiliated with BJP with sentiments. That is the achievement I think any party has got. See, to cast a vote is a different thing and to have a love for the party is a different thing. आप ये बताइए कि ये जो historic आपकी जीत हो रही है, जितना बड़ा mandate आपको मिल रहा है, तो ये mandate के लिए जो जिम्मेदार है या फिर जो credit है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो है या भूपेंद्र भाई का भी कोई रोल है? भूपेंद्र भाई पटेल as well as CR पटेल, the tuning of both these leader and coalition of the party and the government, the programs which was run by the government, party was actively participating. Same way, when party programs were there, even elected members, MLAs and all elected persons were participating equally. Same way, Narendra Bhai and Amit Bhai, see, they are the proud of Gujarat. And Congress and Aam Aadmi Party, the way they have wanted to damage the image of Modi ji by way of using word, I should say it would not have happened, though they have used such word for Mataji, 100 years old, Narendra Bhai, even for Amit Bhai,
इवन आम आदमी पार्टी नॉट ओनली आम आदमी कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो औकात बता देंगे व्हाट इज दिस. सी गुजरात कैनॉट एफोर्ड दीज वर्ड्स एंड दैट गुजरात एक डिफरेंट सोसाइटी है आप कहते हैं. लेकिन लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह से नेशनली अगर हम देखें दिल्ली में एमसीटी चुनाव में आपने आपको पटक दिया, बीजेपी को पटक दिया, गुजरात में भी उनका वोट शेयर 13-14% है, 0% 0.12% का वोट शेयर लास्ट असेंबली इलेक्शन में था उनके पास. तो आपको लगता है कि खतरा आपसे है या फिर अभी भी कांग्रेस ही आपकी प्रिंसिपल चैलेंजर पार्टी है? The entry of a new party, Aam Aadmi Party, see there are two parties. One has got, though they don't have today's ideology, but they have, at least the Congress in a nation, they have their own ideology. While this party, you can say it is invisible communist, you may look like that, you may say that there is no other principle or ideology which is being run. So, there can't be a stand for such party in a longer way. Congress of more than 125 years, though it is being defeated, but it is alive, it is existing. आप चाहते हैं कि कांग्रेस थोड़ा अलाइव रहे ताकि बीजेपी जीतती रहे, क्योंकि कांग्रेस उस तरह से बैटल में उस तरह से एग्रेसिव नहीं होती है जैसा कि आप एग्रेसिव होती है. तो बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस सर्वाइव करे. आप एग्रेशन आपका जो है इट इज नॉट एन एग्रेशन, इट इज टोटली against the national spirit. Just to come to power, that is only the game. No rendering service, though they are presenting their schools and hospitals. I can show you in Ahmedabad, our urban center, which is more than, more better than the corporate hospitals. See, this is a marketing. By changing a wrapper, you can market the product, but the quality remains the same. गोवर्धन भाई वो मार्केटिंग के सारे फंडे तो आपसे ही उन्होंने, केजरीवाल ने सीखा है. अब वो सारे मार्केटिंग के फंडे जो तिलक लगा के हनुमान चालीसा पढ़ के वो भी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल. लेकिन शाहीनबाग भी लोग भूल नहीं सकते ना. सी यू शुड हैव द कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ योर थॉट्स व्हाट यू आर गोइंग टू रेंडर. सी वी आर हैविंग आवर ओन आइडियोलॉजी, वी आर रेंडरिंग इट. Dindal Upadhyay Antyodayi, that has been observed, that has been felt. Agar Ayushman nahi aata to how many people would have been dead? तो मतलब कह रहे हैं कि हिंदुत्व की जो का जो प्लैंक है, हिंदुत्व का जो कोर आपका बेस है, उसको कोई छीन नहीं सकता. लेकिन आप ये बताइए कि अब चीफ मिनिस्टर तो भूपेंद्र भाई रहेंगे, अमित शाह जी ने ऐलान किया था, या अभी अभी भी आपको लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला लेगा, या फिर भाई एन लाल जब इतनी बड़ी मैंडेट मिली है तो भूपेंद्र भाई को कुछ तो क्रेडिट आप देंगे ना भाई? भूपेंद्र भाई को तो क्रेडिट वैसे भी है, इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, इज अ पार्टी वर्कर, वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन एंड फॉर्म डिसीजन मेकर. सो इट इज अप टू द पार्टी टू डिसाइड, पार्लियामेंट्री बोर्ड विल डिसाइड एंड नथिंग आई कांट से अबाउट इट, बट आई कैन से that it is the party. Though many of these chief ministers have been changed with the different hands, but the flag remains the same and it goes ahead. आपको लगता है कि आप लोगों ने जो इतने सारे सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, 42-43 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, ये जो बीजेपी का एक्सपेरिमेंट है वो हर राज्य में सक्सेसफुल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर है तो विधायकों के टिकट काट दो, नए चेहरे को दो और वो मोदी जी के सिंबल पे वोट करेगा, ये एक्सपेरिमेंट हर राज्य में सक्सेसफुल रहा है? आई टेल यू, कैंडिडेट को बदलने का हर बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता. कई बार हमको इक्विलिब्रियम बनाना पड़ता है, कास्ट कॉम्बिनेशन रीजन. तो मेनी अ टाइम द गुड वर्कर सिटिंग एमएलए may have been changed. Overall, we have to see the equal participation of the community, region, and newcomers also. If you don't allow any newcomers, then how party will sustain? So the new entries, the youngers, the women, the educated persons. So this ever-changing project and ever-changing process.
So BJP wants that in every state, that let us new water come in this. At least it will flow with the fresh one. So ye bhi hai. So nationally, agar aap is result ko dekhen, Himachal aur Gujarat dono result ko hum dekhen, तो आप 2024 के लिए किस तरह की तस्वीर देखते हैं कि 24 में बीजेपी को चैलेंजर या चैलेंज करने वाली पार्टी आप होगी या कांग्रेस होगी या फिर थर्ड फ्रंट के लोग होंगे? See, the experience says that during the election or prior to the election, they get united, some of them, as an opposition. But hardly they sustain. The same thing will happen. They will have a sure Allah Gulla to stop Modi ji. But they won't be united because they don't have their ideological grounds. And lot of differences in their own different states. They are fighting each other. So, Aam Aadmi can never be the challenge for the BJP in the national scenario. Congress, whatever is there, though it is smaller, but they have at least party first, but they are far away. There is no single leader which is accepted. The unfortunate for their part, there is no one accepted leader across the country. And Modi ji has proven, see, I tell you, the Modi ji of 2014 was an expectation. Modi ji of 2019 was a confidence. And Modi ji of 2024 will be the future of India. So there is no other person who can be nearest to Modi ji in any party. And at the same time, the BJP organization all across the country, though we are not in power in many states, but our organization exists. For example, in Odisha, we have a very small part in the local state election. But when parliament comes, yes, we are, even in West Bengal. लेकिन आप जो मोदी जी के कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारियां आप लोगों ने डाल रखी है, 2014, 2019 का इलेक्शन, विधानसभा का चुनाव भी मोदी जी जिताएं, कॉरपोरेशन का चुनाव भी मोदी जी जिताएं, तो उसका एक ड्रॉबैक ये है कि जो लोकल लीडरशिप है वो कई सारे स्टेट में कमजोर हो जाती है. आपको लगता है कि इस मोदी जी के कंधों पे इतनी सारी जिम्मेदारियों का एक फॉलबैक भी है कि लोकल लीडरशिप उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाती है? क्योंकि सबको लगता है कि जब प्रधानमंत्री को ही चुनाव जिताना है तो फिर आपको लगता है कि लॉन्ग रन में 2024 में जीतेगी, 2029 उसके बाद का फ्यूचर आपको लगता है कि लोकल लीडरशिप को ही मजबूत करना होगा? देखिए, लीडरशिप कैनॉट बी इम्पोज्ड. Leadership always emerges. And as far as BJP is concerned, it is fortunate from Dr. Shyama Prasad Mukherjee and Pandit Dindyal Upadhyay, we had never a vacuum. Lal Krishna Advani ji, Natal ji, Amit Bhai and Narendra Bhai. So leadership, केशुभाई पटेल, आप दिल्ली आते थे केशुभाई पटेल के साथ में उस जमाने में, मुझे याद है. और तो आपके जॉइंट लीडर गुजरात के केशुभाई हुआ करते थे, उसके बाद नरेंद्र भाई का इमरजेंस हुआ. सी, लीडरशिप इज ऑलवेज हैविंग एवरीवेयर. देयर आर स्टेट लीडर्स आल्सो इन ऑल ऑफ द स्टेट्स. देयर आर रीजनल लीडर्स आर आल्सो देयर. देयर आर कम्युनिटी लीडर्स आर आल्सो देयर. सो इट इज द कलेक्टिव टीम ऑफ लीडरशिप. Though one person is not there, but in toto, if it is one, then they are 1+10. So it is a collective process of organization. See, we always tell to our party workers. So it is a collective leadership, and decision is being followed. So this is the really, if I think we are passing from the golden era of this country. It will be written in the golden word. आने वाले समय में इस कालखंड को जब लिखा जाएगा ना, स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा इसका, जिस घटनाओं से हम गुजर रहे हैं, देश की
जो दुनिया में स्थिति बन रही है इकोनॉमिक फ्रंट पे, वी आर ग्रोइंग, वी आर फिफ्थ इन द ग्लोबल इकोनॉमी। सो इस तरह से भी देखा जाए तो ये कोई नारेबाजी की जीत नहीं है। तो ठीक है, अब मैं एक सवाल पे आता हूँ, थोड़ा सा उस सवाल पे कि भाई सीआर पाटिल ने एक आपको इतनी बड़ी मैंडेट दिलाई, लीड किया उन्होंने पार्टी को, उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा, तो भाई आप सीआर पाटिल को भी कभी मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो मैन बिहाइंड सक्सेस, ह्यूज सक्सेस, या फिर वो केंद्रीय कैबिनेट में वो मंत्री बनेंगे? क्योंकि सीआर पाटिल साहब ने खुद कहा था कि दिसंबर के बाद में एक नए रोल में, उसका कुछ इंडिकेशन उन्होंने दिया है। I can't say because it is not in my purview. मेरे परव्यू में तो है नहीं, लेकिन हर कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया है, जैसा भी है, पार्टी समय आने पर सबको स्थान, इज्जत और एक एस्टैब्लिशमेंट देती है, वन हैज टू वेट। धैर्य जिसके पास है, उसके पास पार्टी के पास बहुत देने के लिए, वो तो पार्टी तय करती है, लेकिन धैर्य और डेडिकेशन और कमिटमेंट टू द कॉज किसी का भी है तो कहीं भी आदमी को पार्टी बिठा सकती है। बट दैट डिसीजन इज ऑलवेज बाय द हाई कमांड, केंद्रीय नेतृत्व, और नरेंद्र भाई और अमित भाई जैसे नेतृत्व जिसके पास हो वो तो फॉर्चुनेट पार्टी है। एक लास्ट अंतिम सवाल, बाहर ढोल नगाड़े की आवाज आप सुन सकते हैं, वहां पे बीजेपी के इस गांधीनगर का जो कमलम का जो दफ्तर है वहां पे जश्न शुरू हो चुका है, और अगले एक घंटे के बाद सीआर पाटिल और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का यहाँ पे आगमन होगा, वो आएंगे और उसके बाद जश्न का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक अंतिम सवाल गोवर्धन भाई कि इस गुजरात मैंडेट का मैसेज क्या है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का करिश्मा, पार्टी और सरकार की सिनर्जी, क्या आप जो एंटी इनकम्बेंसी को पाटने के लिए जो आपका वोट कटवा रोल रहा वो एक बड़ा फैक्टर था इस चुनाव में? मैंने पहले कहा कि एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी बन गई है, नहीं तो हमारा वोट चेंज नहीं पड़ता। दूसरी बात, जहां तक मोदी जी का गुजरात का दौरा, अमित भाई का दौरा, और आने वाले समय में गुजरात से मैसेज है कि 2024 के आने वाले चुनाव में गुजरात तो दो बार 26-26 सीटें दे चुका है, इससे ज्यादा तो आप दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बिल्कुल आपने निचोड़ चुके हैं सब। लेकिन हम आसपास के राज्यों में प्रयास करके जहां काम है वहां तो दिलवा सकते हैं ना, तो इतना तो गुजरात की क्षमता है कि हमारे गुजरात को तो हम ठीक रखेंगे ही, लेकिन जहां कमजोर है वहां भी जाएंगे। लेकिन इट इज रिटन इन द वॉल कि आने वाले समय में 24 में भाजपा के इस रथ को कोई नहीं रोक पाएगा, ये मैंडेट है। बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन झड़पिया का। उनका कहना है कि कई सारे ऐसे फैक्टर थे, एक तो इस बार कोई ऐसा बड़ा डिस्ट्रप्शन नहीं था पाटीदार आंदोलन की तरह जो सौराष्ट्र के इलाकों में और दूसरे रीजन में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था 2017 में। दूसरा ऐसा बड़ा जो कारण था कि सरकार और पार्टी के बीच की जो सिनर्जी थी, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थे चाहे सेंटर या स्टेट की, उसको ग्राउंड तक ले जाया गया। तीसरा जो बड़ा फैक्टर था, जो ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप था, जो मैन टू मैन मार्किंग का, जो पेज कमेटी का जो फॉर्मूला था, वो सक्सेस की एक बड़ा कारण बना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा तो है ही, क्योंकि गुजरात एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सोसाइटी है और यहाँ पर साहेब को हराना नामुमकिन है, तो इसलिए गुजरात की जनता ने साहेब के प्रति प्रेम दिखाया और इस तरह से माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को बीट करते हुए बीजेपी गुजरात में दिख रही है, एक हिस्टोरिक मैंडेट की तरफ बढ़ रही है। और निश्चित रूप से ये सारे जो कारण हैं वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव, जब समर यानी कि गर्मी के महीने में जब चुनाव होगा, तो उसमें देखना होगा कि आप कितनी बड़ी चैलेंजर साबित होती है, क्योंकि इस बार जो आपका रोल है वो बीजेपी को इतनी बड़ी ऐतिहासिक मैंडेट दिलाने में भी उसका एक रोल है, कंट्रीब्यूशन है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, गांधीनगर।